बहुत ही अच्छा रहा। टू बी वेरी फ्रैंक, इनिशियली हम लोग को एक्चुअल में भी डर लगा था क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का वैसे ही 36 का आंकड़ा है। तो अच्छा, पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा? हाँ। ये बताओ, नो बॉल थी कि नहीं? नो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी, दो तीन दिन पहले मैं यहाँ पे KSCC ट्विंस टावर के पास एक रेस्टोरेंट पे खाना खा रहा था, तो वहाँ पे दो इंडियन भाई बैठे हुए थे। तो मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि उनको ना लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है ऑर्डरिंग के लिए, क्योंकि वो इंग्लिश बोल रहे थे तो अगला बंदा वो समझ नहीं था रहा। तो मुझे पता चल गया कि ये लोग नए नए आए हैं, तो मैंने उनसे बात की, तो मुझे पता चला कि जो उनका एक दो दिन का टूर है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जी हम कहाँ पे जा सकते हैं, क्या कहाँ पे हैपनिंग होती है, हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा ये दो तीन दिन का टूर है। तो उन्होंने कुछ सर्च की हुई थी, लेकिन वो जगह एक दो दिन में कवर होने वाली नहीं थी। तो फिर मैंने उनको गाइड किया, फिर मैंने कहा यार यहाँ पे रात के वक्त ना हैपनिंग होती है और मैं यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ उस तरफ रात को, तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप आ जाना। खैर, मैंने उनको मसलन काफ़ी फ्रेंडली होकर मैं बोला, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। तो ना वो बंदे थोड़े से ना कन्फ्यूज़ हो गए। खैर, मैंने उस टाइम नोट नहीं किया, तो मैं चला गया वापस। और फिर जब मैंने उनसे नंबर ले लिया हुआ था, मैंने बाद में जब उनसे मैसेज किया तो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। तो मेरे ख्याल में मुझे आया ख्याल कि शायद वो लोग डर गए हैं कि जी पाकिस्तानी है तो वो हमें किस तरह घुमाएगा या क्या होगा। तो खैर, लेकिन वो लोग फिर आए और हमने व्लॉग बनाया, और व्लॉग बनाते हुए मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरे जहन में ये ख्याल है कि शायद आप लोगों को ना डर गई हो। तो उसने मुझे कहा वाकई ही हम डर गए थे, और उनके जहन में ख्याल आया था कि क्यों एक पाकिस्तानी हमें घुमाएगा, और जो भी अभी मिला है तो ये नहीं हो सकता। उनको ये था कि मैं उनको कोई नुकसान पहुँचा दूँगा या किसी जगह पर लेके जाके उनको ड्रॉप कर लूँगा, तो ये था। लेकिन ये थी एक्सपेक्टेशन, अब रियलिटी में क्या हुआ आप व्लॉग में देखें। तो जी आज मैं एक रेस्टोरेंट खाना खा रहा था, तो यहाँ पे मेरे ये दो भाई जो इंडिया से हैं ये भी वहाँ पे थे। तो जी सीन ऐसे हुआ कि ये जब ऑर्डर कर रहे थे तो मुझे पता चल गया कि इनका फर्स्ट डे है। तो फिर मैंने इनकी थोड़ी सी बातचीत की, 10-15 मिनट बैठे, और अभी जॉब ख़त्म किया और अभी मैं इनको केल घुमाऊँगा। तो कैसा लगा अभी तक? अभी तक तो थोड़ा टायरिंग था, लेकिन अभी अब फन होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। अब आपके संग ज्वाइन हुए हैं, बहुत नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, नाउ वी विल एंजॉय। हाँ जी, तो अभी ये ट्विंस टावर, ये तो इधर हर सारे टूरिस्ट मोस्टली यहाँ पे आते हैं, लेकिन जो मेरे नज़दीक सबसे अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है वो ये नहीं है, वो दूसरा जहाँ पे हम जाने लगे हैं। तो चलो चलते हैं वहाँ पे। ओके, तो जी अभी हम जा रहे हैं ब्रिज के थ्रू ट्विंस टावर से पवेलियन की तरफ, जहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। तो मैंने इनको बोला कि इनके पास शायद आज के ही दिन हो घूमने का। तो अभी तक वैसे कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अभी तक मज़ा आ रहा है, देखते आगे और कितना फ़न होने वाला है। ऑलरेडी हम लोग शाम की तरफ बढ़ चुके हैं, यहाँ पे काफ़ी कुछ क्लोज हो गया है, लेकिन हम लोग हैपनिंग स्ट्रीट पर जा रहे हैं तो देखते हैं। कैरेक्टर्स भी हमको अभी बीच में देखने को मिले हैं, तो वो भी एक्साइटमेंट है कि आगे हाँ। शायद कोई हमें पार्टी वो मिले देखने को। हाँ ये है, मुझे आइडिया आ गया इससे कि अभी हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पे तो फिर ये सारी पार्टी वगैरह तो वहाँ पे होगी, तो मेरे लिए भी अच्छा हो गया। तो जी ये ब्रिज मैंने पहले भी दिखाया हुआ आपको वीडियो में, तो ये इन्होंने इस एक जगह को दूसरी जगह को कनेक्ट किया हुआ आपस में, ताकि लोग ईजीली ट्रैफिक को अवॉइड किए एक जगह से दूसरी जगह पैदल चले जाएँ। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी वॉक है, बड़ी स्मूथ एकॉन वगैरह लगे हुए हैं, और बहुत टाइम सेविंग भी है ये ब्रिज है। अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ का फ्रेंड? माय फ्रेंड्स, तो अभी हम आए हैं इस जगह, वो कहते हैं बुकी बिंतांग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है वीकेंड्स पे, लेकिन आज उस तरह क्राउड नहीं है, मंडे है। यहाँ मेरे ख्याल से जो क्राउड होगा वो आगे होगा हेलोवीन पार्टी पे। लेकिन फिर भी यहाँ कंपैरेटिवली हैपनिंग लग रहा है, जो हम अभी तक घूम रहे थे उससे अगर कंपेयर करें तो ये हैपनिंग लग रहा है थोड़ा। ठीक है, तो अभी इन्होंने लेना है फ़ोन, उसके लिए हम जा रहे हैं। यहाँ पर एक IT मार्केट है, जो कह लें मलेशिया की सबसे बड़ी IT मार्केट, वहाँ पर एप्पल का स्टोर है,
तो वहाँ से जाके ये फ़ोन लेंगे और मैं बस उनको गाइड करूँगा कि कैसे जाना है। सो लेट्स गो टू द लॉयट प्लाजा। तो जी मोबाइल तो नहीं मिला क्योंकि कह रहे हैं स्टॉक नहीं है, प्री ऑर्डर करना पड़ेगा। लगता है आईफोन 14 हर जगह शॉर्ट है। हाँ, तीसरी जगह हो गई है, यहाँ पे भी नहीं मिला है। अब यहाँ और जाकर देख रहे हैं, अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, एल्स यहाँ का छोड़ना पड़ेगा ऑप्शन, सस्ता मिलने वाला। इंडिया में काफ़ी टैक्स लगता है इस पर। हाँ, वहाँ पे 1,40,000 का है, यहाँ पे समवेयर अराउंड 1,00,000 का मिल जाता है। ओह, पाकिस्तान वाला हिसाब, टैक्स हाई है वहाँ पे। तो जी फोन तो हमें नहीं मिला, ब्लैक में भी इतना दूर आए हम लोग, बहुत चल कर आए हैं काफ़ी, लेकिन ठीक है अब नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हाँ, फोन शॉर्ट है और ब्लैक में बिक रहा है और ब्लैक में महंगा दे रहे हैं, तो सोचा वो प्लान स्किप करते हैं। अब आगे चलते हैं, जाके फूड स्ट्रीट देखते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं, फिर उसके बाद लिटिल बैंकॉक। तो वहाँ चलते हैं। तो जी हम अभी थक के आए हैं एक रेस्टोरेंट, क्योंकि ये मेरे दोनों भाई वेजिटेरियन है तो मैं भी वेजिटेरियन हूँ अभी। तो कैसे थक गए? बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अभी ढंग से पेट भर के खाना खाना है। डोसा ऑर्डर किया है हमने और वेजिटेरियन फूड ढूंढ रहे थे यहाँ पर, तो बड़ी मुश्किल से एक रेस्टोरेंट मिला है। आपको पता है सारा, यहाँ पे नेक्स्ट टाइम कोई भी आए तो आपको पकड़ना है। असल में होता क्या है कि अगर कोई पाकिस्तानी आएगा तो मैंने देखा, बाकी मैं कहता हूँ कहाँ पे जाना है, कुछ खाओगे, ये वाला फूड ट्राई करोगे, अभी कर वो नॉन वेज है, वो भी कहते हैं नहीं यार कुछ पाकिस्तानी मिल जाए। तो जब इंडियन कोई आ रहा है तो उसको तो और ज़्यादा मसला आता है। मैंने इससे पहले मेरे एक दो मैं इंडियन लोग से मिला हूँ, वो बोलेंगे यार नहीं, मैं तो डरते हुए किसी रेस्टोरेंट में रिस्क नहीं लेना जाने का। यही होता है, ऐसा ही होता है ना। चलो अभी हम डोसा और नान वगैरह खाएँगे, फिर उसके बाद हम जाएँगे दूसरी तरफ, फिर उसके बाद वापस। वेजिटेरियन फूड मिल गया, कैसा है? मैं भी ट्राई करूँगा तब बताऊँगा। आए थे पाकिस्तान से, ऐसे सब्सक्राइबर थे, तो वो उनकी कहीं क्लासेस थी तो वो वहीं पे ना मलाई फूड मिलता था उनको, तो वो उन्होंने 3-4 दिन पहले दिन तो उनको मैं ले गया, खाना शाना खिला दिया, उसके बाद 4-5 दिन बाद जब मैं उनको मिला ना, कहते यार कहीं से अच्छा खाना खिला दो। ठीक है, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो जी भाई खाना खा के हम आए हैं अपने इस भाई के पास। तो जी हम एक साल से प्लान कर रहे थे इकट्ठे ब्लॉग बनाने का, सही, लेकिन नहीं मिले, नहीं बना ब्लॉग, और आज हम मिले तो इन दो भाइयों की वजह से और आगे ब्लॉग में बोलो आप कुछ। नहीं अब बस कुछ नहीं बोलना। मैं जो बोलती हूँ काफ़ी यहाँ बस। अच्छा जी, आप बताओ कैसा रहा खाना? खाना बहुत अच्छा रहा, आप भाई के संग एंजॉय करने आए हैं, बियर साथ में पिएंगे और मस्ती करेंगे। मैं भी बनाता हूँ असल में व्लॉग, मेरा भी चैनल है। अच्छा, बस कप्तान हम जाते हैं ऐसा तो यहाँ पे ये दोस्त मिलेंगे, ये बियर पियेंगे, मैं बस इनको कंपनी दूंगा, उसके बाद मैं आपको बाहर से थोड़ा सा दिखाऊंगा बैंकॉक, जो आपने पहले भी देखा ही होगा मेरी वीडियो में, फिर उसके हम बात हम वापस चले जाएंगे। अच्छा तो जी अभी उस जगह से हम आ गए हैं, और अभी ये भाई थक गए, इन्होंने जाके आराम करना है। अच्छा मीटिंग कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, टू बी वेरी फ्रैंक, इनिशियली हम लोग को एक्चुअल में भी डर लगा था, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का वैसे ही 36 का आंकड़ा है। तो असल में हुआ क्या, ये भी रेस्टोरेंट में बैठे ना, तो मैंने इनको देखा, इनसे मैंने फ्रेंडली बात की, उनको मैंने ऑफर कहा यार घूमना तो चलते हैं, तो फिर बाद में मैं ना जब वापस चला गया तो मैंने कहा यार
बंदे को डाउट हो सकता है कि ऐसे ही बंदा पहली दफ़ा मिला है और ऑफ़र कर रहा है घूमने की, तो वो भी बंदा जब बाहर आया हो ठीक है, तो लेकिन खैर ये वापस आया तो मैंने कहा फिर से पूछा, मैंने कहा कोई ऐसा आया था होप कहते वाकई सच है। अच्छा पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा? हाँ। अच्छा ये बताओ नो बॉल थी कि नहीं? नो वो तो मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, ये बताएंगे नो बॉल थी कि नहीं, कंट्रोवर्शियल थी वो, कंट्रोवर्शियल नहीं है ये बताओ जरा, बड़ा ना शोर मचा हुआ है, मैंने तो वैसे तब मैं मैच नहीं था देखा, मैं रस्ते में था, बाकी नो बॉल थी कि नहीं? वो कंट्रोवर्शियल थी, वो डाउटफुल थी, जो डिसीजन अंपायर का दैट वुड बी फाइनल डिसीजन, उस पर हम लोग हम और आप कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑन द स्पॉट डिसीजन होता है। अच्छा वो गलत भी हो सकता है ठीक भी हो सकता है, लेकिन यार उसने चेक तो करवा सकता था ना, उसने चेक नहीं करवाया, अच्छा धोखा हुआ है, लेकिन लेकिन चलो मुबारक हो, कोहली बहुत अच्छा खेला। और बताएं? बहुत मजा आया और ये स्ट्रीट्स घूमने में बहुत एंजॉय किया हमने, और ये आपके बिना नहीं देख पाते ये श्योर है, हम लोग ट्विन टावर से लौट जाते हैं और मीटिंग जो जिस काम के लिए हम आए हैं वो करके और वापस भी चले जाते हैं, लेकिन आप जैसे भाई मिल गए तो हमको बहुत अच्छा लगा और हम लोग ने साथ में काफ़ी घूमा फिरा एंजॉय किया खाया पिया। जो पाकिस्तान इंडिया का नाम असल में लड़ाई है ही नहीं, मेरे लिए वो ज़्यादा पॉलिटिकल है ठीक है, हाँ पॉलिटिकल ज़्यादा है, पॉलिटिकल ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, मैं बाहर रह के तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे लगता है कि लड़ाई है ही बस वो पॉलिटिकल, कोई इशू ही नहीं है, और मेरी बड़ी विश है कि मैं इंडिया जाऊँ। मोस्ट वेलकम, तो वी आर रेडी टू होस्ट यू, तो जी कभी भी आइए, आप देख लें कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक कंट्री से हों, और मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल बड़ा कंफर्टेबल फील हुआ आप लोगों के साथ सच में, और बड़ा इन्जॉय किया। चले जी अभी मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा फिर आप लोग देख सकेंगे और याद करेंगे कि हम लोग दो दिन गुजारे थे लेकिन बड़ा फन किया था। चलें जी वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। तो ये जा रहे हैं वापस, वो अपने होटल से जाएंगे, अभी मैं वापस जाऊँगा, और बड़ा अच्छा सा सीन रहा, चलें अभी व्हाट्सएप पे टच रहेंगे, टच में रहेंगे इनके साथ।